NFTs, NFTs, NFTs. Unless and until आप पिछले कुछ महीनों से एक बंद पिंजरे के अंदर रह रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने NFTs, यानी कि नॉन फंजल टोकन के बारे में ना सुना हो फॉर एग्जाम्पल बीपल एन एफ टी आर्ट मिलियन डॉलर एंड जैक डॉर्सी जो कि पहले ट्विटर के सीईओ थे उनका फर्स्ट ट्वीट भी एज एन एन एफ टी बिका फॉर टू पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर एंड जो भी लेटेस्ट हाइप चल रही है एन एफ टी स्पेस में वो चल रही है बोर्ड एप यार्ड क्लब की एंड

मेरे पास आपके पास जो टोटल वैल्यू होगी वो पहले जितनी ही होगी ये दोनों दस रुपए के नोट सिमिलर है और इंटरचेंजेबल है एंड इंडिया में जितने भी दस रुपए के नोट है वो सारे सिमिलर है उनकी सेम वैल्यू है सेम प्रॉपर्टीज है और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है इसीलिए वो इंटरचेंजेबल है एंड इसीलिए वो फंजेबल है वेयर एज ऑन अदर हैंड अगर मैं मोनालिसा की पेंटिंग की बात करूं तो ये पेंटिंग अपने आप में यूनिक है इसकी अपनी खुद की यूनिक प्रॉपर्टीज है कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड आप कोई दूसरी पेंटिंग ला इन दोनों पेंटिंग्स को एक्सचेंज नहीं

भी नहीं होते विच मीन नो टू एन एफ टी आर द सेम एंड अगर मैं बोर्ड एप यार्ड क्लब की बात करूं तो ये एक कलेक्शन है टेन थाउजेंड डिफरेंट बोर्ड एप डिजिटल आर्ट्स का एंड ईच ऑफ दीज डिजिटल आर्ट इज एन एन एफ टी इसका मतलब ये सारे एप्स यूनिक है इंटरचेंजेबल नहीं है एंड हैंस नॉन फंजेबल है एंड जब आप किसी एन को ख़रीदते हो इसका मतलब आप उस डिजिटल आर्ट या फिर इन जनरल अगर मैं कहूँ तो आप उस डिजिटल कंटेंट के एन को ओन करते हो यू आर दी सोल ओनर ऑफ दैट यूनिक एन एंड अभी रिसेंटली बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि स्टीफन कैरी पोस्ट मेलोन मार्क क्यूबन जिमी फैलन इन सब ने भी अपना एक बोर्ड एप खरीदा था इसका मतलब अब वो उस बोर्ड एप के एन के ओनर है सोल ओनर है एंड वो एक बोर्ड एप एक यूनिक एन है उसके जैसा और कोई बोर्ड एप एग्जिस्ट नहीं करता एंड गायस यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते स्टॉक मार्केट पर्सनल फाइनेंस क्रिप्टो करेंसी इन सब टॉपिक्स पे वीडियो डालता रहता हूँ तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना एंड अब यहाँ पे जितने भी समझदार लोग हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर ये सारे NFT's एक डिजिटल डिजिटल कंटेंट कंटेंट ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या मैं सीधा ऑनलाइन उस आर्ट या को डाउनलोड नहीं कर सकता मैं सिंपली एक करने का? ये मेरे दिमाग में भी आया था मैं भी समझदार हूँ भाई बट इसका जवाब जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अंडरलाइन वैल्यू क्या होती है एंड क्या वैसे आपने कभी सोचा है कि ये जो होती है या एक्सपेंसिव पेंटिंग्स होते हैं स्कल्पचर्स होते हैं स्टैचूज होते हैं लोग इनके लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों देते हैं रिच लोग इनको खरीदने के लिए लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने के लिए क्यों रेडी होते हैं एंड इसका एक सिंपल आंसर है सोशल प्रेस्टीज क्योंकि ये फाइन आर्ट के पीसेस इतने ज्यादा यूनिक एंड इतने वाइडली पॉपुलर होते हैं इनको ओन करने से एक सोशल प्रेस्टीज एसोसिएटेड होता है एंड जितने भी लोग ऐसे एक्सपेंसिव आर्ट्स खरीदते हैं हम लोग उनको सोशल एलिट मानते हैं हम लोग मानते हैं कि बहुत ही हाई क्लास लोग हैं एंड ऐसे फाइन आर्ट्स के साथ ये जो एक सोशल प्रेस्टीज और एक एलिटिजम एसोसिएटेड होता है यही रीजन होता है कि लोग क्यों इनको खरीदने के लिए इनको ओन करने के लिए इतने ज्यादा पैसे पे करने को तैयार होते हैं वो भी वो प्रेस्टीज फील करना चाहते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन की क्यों इतने सारे एन एफ टीज जिनका एज कोई अंडरलाइन यूज केज या नहीं होता वो इतने ज्यादा हाई वैल्यू पे क्यों बिक रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैकडॉर्सी के पहले ट्वीट की बात करूँ क्योंकि वो जैकडॉर्सी का पहला ट्वीट है वो इतना यूनिक है इसीलिए उस एन एफ टी को खरीदने से एक प्रेस्टीज एक सोशल एलिटिज्म एसोसिएटेड है इसीलिए लोग उसको इतना ज्यादा वैल्यू करते उसकी यूनिकनेस को इतना वैल्यू करते हैं एंड इसीलिए उसके लिए इतना ज्यादा पे करने को तैयार है या फिर अगर मैं बोर्ड एप यार्ड क्लब की बात भी करूँ क्योंकि इतनी सारे पॉपुलर अमीर इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज इन ऑनट्रप्रप्स को ओन करते हैं इनके एन को ओन करते हैं इसीलिए इनको ओन करने से भी अब एक प्रेस्टीज एक सोशल एसोसिएटेड है इसीलिए इनकी वैल्यू भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड जो दूसरा प्राइमरी रीजन है कि क्यों किसी एनएफ की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है वो है उसकी कम्युनिटी के कारण काफी सारे एन प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मेरे लिए एक डिजिटल आर्ट सेल नहीं कर रहे हैं बल्कि वो एक कम्युनिटी बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं कि जो जो लोग उस कलेक्शन

उनके सोशल रीजंस के कारण या फिर हो सकता है उन्हें कोई पर्सनल बेनिफिट मिले उस कम्युनिटी का मेंबर बनने से एंड इसीलिए वो ऐसे कुछ एन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं एक हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं इसके अलावा भी कुछ टाइम से बहुत सारे यूटिलिटी एन भी लॉन्च हुए हैं जो कि ऐसे एन एफ है जिनकी कोई यूटिलिटी है एक अंडरलाइंग वैल्यू है बट ये यूटिलिटी एन वाला स्पेस अभी बहुत ज़्यादा यंग है डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है बट इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे सो फाइनली चलिए बात करते हैं कि आपको एज एन इन्वेस्टर कोई एन एफ टी खरीदना चाहिए या किसी एन एफ टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए well, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें से नाइन 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 परसेंट हो जाएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी एंड बहुत ही कम वैल्यूएबल एन एफ टीज रहेंगे लॉन्ग टर्म में एंड जितने भी वैल्यूएबल एन एफ टीज है ये यूजली इतने ज्यादा हाई प्राइस पॉइंट इन्वेस्टर आप या मेरी तरह अफोर्ड कर ही नहीं सकते हमने अपने सारे

फोलियो का बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट नेग्लिजिबल अमाउंट ही एन में इन्वेस्ट करना है आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट से सो so इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई होप आपको एन का कॉन्सेप्ट एक बिगनर लेवल पे अच्छे से समझ आ गया हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू